तो यार कहानी की शुरुआत होती है और यहाँ पर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम क्लेयर होता है। वो अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक टीचर होती है और उसका अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स होने वाला होता है क्योंकि उसके हस्बैंड का अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर चल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो अपने बेटे केविन के साथ अपने घर पर रह रही होती है। उसका बेटा 15 साल का होता है और वो अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है, जिस वजह से वो सोचती है गैरेट को एक और चांस देना चाहिए। दिन बाद उसके बेटे केविन का बर्थडे होता है जिसके लिए वो डैड के साथ डिनर का प्लान बनाती है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उसे कहती है कि तुम्हें उससे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। तब तो वो थोड़ा सा भड़क जाती है और वो उससे कहती है कि वो अब उससे नहीं मिलता, वो अब सुधर चुका है। इस बात को पूरे 9 महीने बीत चुके होते हैं इसलिए वह अपने बेटे के खातिर गैरेट को एक नया चांस देना चाहती है। उसी तरफ हम देखते हैं कि शाम को बर्थडे के लिए वो दोनों डिनर के लिए आए हुए होते हैं और यहाँ पर गैरेट केविन से कहता है कि हम एक वैकेशन पर चल सकते हैं। इसके बाद केविन वॉशरूम चला जाता है तो यहाँ पर क्लेयर गैरेट से पूछती है कि हम कब जाने वाले हैं। गैरेट बताता है कि मेरी बिजनेस ट्रिप खत्म हो जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पर क्लेयर और उनके बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है क्योंकि क्लेयर को लगता है कि वो अभी भी अपनी सेक्रेटरी के साथ अफेयर में है। जैसे केविन आता है तो क्लेयर उससे कहती है कि तुम दोनों चले जाना, मैं नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे कुछ और वर्क है। इसके बाद अगले दिन क्लेयर अपने बेटे केविन के साथ कहीं जा रही होती है लेकिन वहाँ का शटर ओपन नहीं हो पा रहा होता है और वो इसे ओपन करने की कोशिश करती है। इसके बाद वहाँ से एक पीछे से एक और लड़का आ जाता है जो उसकी हेल्प करता है। फिर से कहता है कि आप चाहें तो मैं इसे ठीक भी कर सकता हूँ। क्लेयर के पूछने पर उसके पड़ोसी उसे बताते हैं कि उसका नाम नोहा है और वो मेरी हेल्प करने के लिए आया है और अब से वो यहीं रहेगा। इसके बाद नोहा कहता है कि मुझे बस हार्डवेयर की शॉप से कुछ सामान लाना है और ये परमानेंट ठीक हो जाएगा। इसके बाद नोहा और केविन सुपरमार्केट से सामान लेने चले जाते हैं। इधर नोहा के अंकल बताते हैं कि उसके पेरेंट्स की मौत 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में हो गई थी, उसके बाद से अब वो अकेला है। इधर केविन और नोआ की बातचीत होती है जिसमें हमें पता चलता है कि नोआ पूरे 20 साल का है और उसके कुछ फैमिली इशूज की वजह से उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है और वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उसी के स्कूल में एडमिशन लेगा। सामान परचेस करने के बाद केविन जैसे ही रिसेप्शन पर बैठी लड़की को देखता है तो वह घबरा जाता है और नोहा के पूछने पर बताता है कि वो उसके स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है एली, जिसे देख करके उसे कुछ हो जाता है। उसके बाद नोहा के समझाने पर वो वहाँ पर जाता है और स्कूल के कुछ उसके हरामी लड़के आते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं, जिसे नोहा देख लेता है। नोहा ये बात क्लेयर को बताता है बट क्लेयर को ये बात पहले से ही पता होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम के टाइम क्लेयर खिड़की से देखती है और नोहा अपने अंकल का काफ़ी ख्याल रख रहा होता है, जिसे देख करके वो काफ़ी खुश होती है। उसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि नोहा और केविन कार रिपेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर क्लेयर उसे खिड़की से देखने लगती है, जिसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा मनी मन खुश होती है क्योंकि क्लेयर को नोहा पसंद होता है और वह उसे पसंद करती है और वो काफ़ी अच्छा भी लगता है उसको। इसके बाद नोहा की नज़र क्लेयर पर पड़ जाती है जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं। दिन हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि इन दोनों की ही सोच काफ़ी चीज़ों पर सेम होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन और गेटर वैकेशन के लिए वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर नोहा उसके घर पहुँचता है और क्लेयर को एक बुक गिफ्ट करता है। वो उससे जिद करता है इसलिए क्लेयर उससे वो बुक ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को जब क्लेयर विंडो से उसके घर पर जागती है, नोहा को देखती है। नोहा कपड़े चेंज कर रहा होता है और नोहा की नज़र उस पर पड़ जाती है, जिससे क्लेयर वहाँ पर छुप जाती है। की के कहने पर डेट पर जाती है पर जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से वापस आ जाती है और घर पर ड्रिंक कर रही होती है। उसके पास नोहा का कॉल आता है, वो उससे कहता है कि उसे चिकन बनाने के लिए हेल्प मांगता है। क्लेयर वहाँ पर उसके घर जाती है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। बैठकर बात कर रहे होते हैं, नोहा खड़ा होता है और उसे किस करने लगता है और उसको रोमांस करने लगता है, जिसके बाद क्लेयर उसे मना भी करती है बट वो नशे में होती है और साथ ही साथ उसे मज़ा भी आ रहा होता है इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्लेयर अपने आप को न्यूड पाती है तो वह कपड़े पहनने लगती है फटाफट और इतने में नोहा वहाँ पर आ जाता है तो वह उससे माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि ये सब गलत था। तो इस बात को सुनने के बाद नोहा उससे कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था और उन दोनों के बीच में बहस होती है और इस दौरान नोहा अपना हाथ दीवार से मार लेता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। वो उसे साफ करते हुए उससे कहती है कि ये सब गलत था तो प्लीज़ इस बात के बारे में ज़्यादा मत सोचो। नोहा ये सुनकर के गुस्से में उसे वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद केविन और गेटर भी अपने घर आ जाते हैं, उसके साथ नोहा भी होता है और वो क्लेयर से बात करने की कोशिश करता है बट यहाँ पर क्लेयर उसे इग्नोर करती है। इसके बाद नोहा केविन के साथ बाहर चला जाता है। शाम को हम देखते हैं कि गैरेट घर जा रहा होता है और यहाँ पर क्लेयर उससे कहती है कि हमें कोई फैसला करना होगा,
जिस बात के बाद गैरेट उससे कहता है कि देखो डाइवोर्स फाइल मत करना, मुझसे एक गलती हो गई थी तो प्लीज़ मुझे एक मौका और दो। इसके बाद हम अगले दिन देखते हैं क्लेयर अपनी क्लास में पढ़ा रही होती है और प्रिंसिपल नोहा को लेकर के आते हैं और क्लेयर के पूछने पर वो बताते हैं कि तुमने ही तो मुझे ईमेल किया था नोहा को क्लास में पढ़ाने के लिए। वो समझ जाती है कि नोहा ने उसका ईमेल हैक किया और उसके बाद उसने प्रिंसिपल को ये ईमेल कर दिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नोहा केविन को शूटिंग के लिए लेके जाता है जहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को धोखा दिया होता है। उसके बाद वो अगले दिन जब डिनर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो अपने डैड पर गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन केविन नोहा के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है और यहाँ पर नोहा उससे कहता है कि तुम्हारे डैड रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। जिस बात को सुनने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और अपना गुस्सा उस पंचिंग बैग पर निकालने लगता है और वो वहाँ बेहोश होकर के गिर जाता है। नोहा वहाँ से इंजेक्शन लेके आता है और उसे लगाकर उसकी जान बचा लेता है। तो यहाँ पर नोहा उसे मैनिपुलेट करता है अपने डैड के खिलाफ ताकि वो उन दोनों का बीच डाइवोर्स करा सके। इसके बाद नोहा कुछ फूल बेचता है क्लेयर के लिए। क्लेयर नोहा के पास जाती है और उससे बात करती है। वो उससे कहती है कि हम एक नई शुरुआत करें, जिसके लिए नोहा मान जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्लेयर अब गेटर के साथ घर पहुंचती है और वो दोनों किस करते हैं, जिसे नोहा देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन जब गेटर वहाँ से चला जाता है तो वो वहाँ आता है और उसको काफ़ी बुरा भला बोलता है, जिसके बाद केविन भी आता है। तो क्लेयर केविन को बोलती है कि वो उससे दूर रहे, वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, पर केविन उसकी नहीं सुनता और जाकर के नोहा के साथ बैठ जाता है और चला जाता है। फिर हम देखते हैं स्कूल में वो हरामी बच्चे केविन को काफ़ी परेशान कर रहे होते हैं, तो नोहा अपना सारा गुस्सा उन लड़कों पर निकाल देता है और उन्हें बुरी तरह पीटता है। इसके बाद उस स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट जो विक्की होती है वो उसे अपने ऑफिस में बुलाती है, समझाती है, बट वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करता है, जिसके बाद विक्की उसे उस स्कूल से निकाल देती है। शाम के टाइम स्कूल में पार्टी होती है जहाँ पर क्लेयर को पता चलता है कि वॉइस टॉयलेट में पानी लीक हो रहा है। जब वह वहाँ पहुँचती है तो वहाँ पर नोहा आ जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। क्लेयर अपने आप को वहाँ से छुड़ाती है और उसको बोलती है कि वो उसके और उसके परिवार से दूर रहे। अगले दिन जब वो अपने स्कूल पहुँचती है, क्लासरूम में उसकी और नोहा की तस्वीरें चारों ओर लगी होती हैं। क्लेयर बच्चों को बाहर रोक करके जल्दी से अंदर जाती है और उन सारी फोटोज को समटा देती है। अगले दिन हम देखते हैं कि गेटर अपनी सुपर कार लेकर के केविन के स्कूल आता है और वह केविन को कार चलाने के लिए कहता है। बातों बातों में केविन गुस्सा हो जाता है और स्पीड बहुत तेज कर देता है, जिससे उसकी ब्रेक फेल हो जाती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, पर वो बच जाते हैं। और जैसे ही जब वो घर पहुंचती है तो वो पूछती है उनसे, तो वो बोलते हैं कि हम ठीक हैं। और वो वहाँ देखती है कि नोहा भी होता है और नोहा उसके पास जाता है किचन में, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है, उससे कहता है कि आज रात को मेरे पास आ जाना वरना मैं वो वीडियो लीक कर दूंगा। क्लेयर के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रात को उसके पास जाती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम उस वीडियो को डिलीट कर दो। तो वो उससे कहता है कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, बट एक शर्त पे, कि तुम्हें रोज़ मेरे पास आना पड़ेगा और सेक्स करना पड़ेगा। जिस बात से वो गुस्सा हो जाती है और उसको थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लेयर विक्की को सारी बातें बताती है नोहा के बारे में, तो यहाँ पर विक्की उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। तो विक्की क्लेयर की कार लेकर के वहाँ से जाती है। नोहा उसे क्लेयर समझ के उसका पीछा करता है और इधर क्लेयर भी उसके रूम पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि चारों तरफ सिर्फ उसकी फ़ोटोज़ ही लगी पड़ी हैं। और जब वो उन फ़ोटोज़ को देखती है तो उसके बाद वो उसके कंप्यूटर में से वो सारी चीज़ें डिलीट कर देती है और वहाँ पर उसे एक फ़ाइल मिलती है जिसमें ब्रेक फेल करने की जानकारी होती है, जिसे देख करके वो समझ जाती है कि ज़रूर गेटर की कार का ब्रेक उसी ने फेल किया होगा और साथ ही साथ उसने अपने पेरेंट्स की कार की ब्रेक भी उसी ने फेल की होगी। इसके बाद वो विक्की को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे सारी डिटेल्स मिल चुकी हैं और उसने डिलीट भी कर दी है। कि नोहा पहुंच जाता है और विक्की के सर पे कुछ मार करके उसे बेहोश कर देता है। बाद नोहा विक्की के फ़ोन से क्लेयर को कॉल करता है और उसे वहां पर बुलाता है। क्लेयर जब विक्की के घर पहुंचती है तो वहां देखती है कि नोहा ने विक्की को मार दिया होता है और जिसे देख करके वो डर जाती है और जाकर अपनी कार में बैठ जाती है और पुलिस को कॉल करती है। बट नोहा वहाँ पर पहुँच जाता है, उसे कॉल करने से रोक लेता है और वो उससे कहता है कि मैंने अपने डैड को इसलिए मारा क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर था, जिस बात को लेकर के मेरी माँ आत्महत्या कर लेती है और इसीलिए मैंने उनकी कार का ब्रेक फेल किया था ताकि मैं अपनी माँ का बदला ले सकूं। इसके बाद वो क्लेयर को लेकर के एक नज़दीक के घर पर चला जाता है जहाँ पर उसने ऑलरेडी केविन और गेटर को बांध कर रखा हुआ होता है। वहाँ चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर वहाँ आग लगा देता है, जिसके बाद गेटर अपने आप को छुड़ाता है और नोहा पर हमला करता है, पर वहाँ पर नोहा के पास बंदूक होती है इसलिए वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद क्लेयर
केविन का इलाज करने वाला वो पेन निकालती है, उसकी आंख में घुसा देती है और इसके बाद वहां पर पड़ी हुई एक चेन होती है जिसे खींच देती है और उसे खींचने से उसके सर पर एक इंजन आकर के गिर जाता है जिससे नोआ की वहाँ मौत हो जाती है। अपने पति गेटर और केविन को लेकर के वहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ पर कहानी का एंड हो जाता है। तो यार अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि मुझे इस तरह की मोटिवेशंस मिलती रहें। थैंक यू।